बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले जी। साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जी, जिससे आपको बाबा जी की प्यारी प्यारी बातें पता चल सके। वो कहते हैं ना, अजीब बंदिश है तेरे इश्क की मेरे मालिक, अजीब बंदिश है तेरे इश्क की मेरे मालिक, न कभी तूने हमें कैद में रखा न कभी हम फरार हो पाए। सास संगत जी, एक बालक था जिसका नाम था भोला। नाम तो भोला था ही पर उसका भोलापन भी कुछ अलग ही था। एक दिन उसके गांव में एक नाटक मंडली आई। उस नाटक मंडली ने जो नाटक किया उसमें राजा भी था, सिपाही भी थे और बड़ा सुंदर सा नाटकीय महल भी था। तो बच्चे तो ऐसे नाटक देखकर आकर्षित होते ही हैं। तो वो जो बालक था जिसका नाम था भोला, वो उन नाटक मंडली वाले लोगों से पूछता है, ये जो आपने अभी नाटक दिखाया था इसमें ये कौन था? तो वो नाटक मंडली वाले बोले, इसमें वो राजा था। तो वो बालक बोला, क्या ये जो नाटक में राजा था ये सच में भी होता है क्या? तो वो नाटक मंडली वाले बोले, हाँ ये राजा सच में भी होता है। तो वो बालक बोला कि ये राजा रहता कहाँ है? तो वो नाटक मंडली वाले बोले, ये राजा शहर में रहता है, फला फला जगह में, इसका काफी सुंदर महल भी है। फिर वो बालक घर गया और अपनी माँ को बोलता है, माँ मैं सचमुच के राजा से मिलने जा रहा हूँ। अब वो छोटा सा भोला सा बालक उस राजा के महल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। पूरा महल रोशनी से जगमगा रहा था और महल को बहुत सुंदर सजाया हुआ था। तो वहाँ उस बालक ने महल के दरबान से पूछा कि मुझे राजा के दर्शन करने हैं। तो वो दरबान बोला कि इस वक्त तो नहीं हो सकता, पर सुबह जब राजा अपने रथ से दरबार की तरफ जाएंगे तो तुम दर्शन कर लेना। उस बालक ने सारी रात वहीं उसी सड़क पे गुजारी और सुबह उठ भी जल्दी गया जिससे राजा का रथ ना निकल जाए। राजा की सवारी जब वहाँ से निकली तो वहाँ जरूरतमंदों की लाइन लगी हुई थी और ये बालक भी उसी लाइन में जाकर खड़ा हो गया। तो वहाँ सब लोग अपनी अपनी फरियाद लेकर राजा को बताते गए, किसी को नौकरी चाहिए थी, किसी को रोटी, तो किसी के पास रहने को जगह नहीं थी। तो उन सबकी जरूरतों के हिसाब से राजा उनकी मदद कर रहा था। जो जो राजा से हो रहा था वो उनको दे रहा था। और जब भोले की बारी आई तो राजा ने उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? तो वो बालक राजा से बोला, मुझे तो आपके दर्शन चाहिए। सास संगत जी, हम भी जब बाबा जी के दर्शनों के लिए जाते हैं तो कोई ना कोई दुनियावी इच्छाएं लेकर जाते हैं कि हमारी ये नौकरी लग जाए, हमारे पास इतना धन आ जाए, मुझे ये ओहदा मिल जाए, मेरा वो काम हो जाए, मेरा ये काम हो जाए। कोई विरले ही होते हैं जो बाबा जी के सिर्फ दर्शनों के लिए ही जाते हैं। कुछ लोग मंदिर गुरुद्वारों में अपनी मन्नत पूरी करवाने जाते हैं। क्या सच्चे मन से उस सच्चे पिता से किसी को प्यार है? प्यार तो ऐसा होना चाहिए जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से प्यार करता है। अब वो राजा बालक से कहता है कि तुम कहाँ से आए हो? तो वो बालक बोला, मैं फला फला उस गांव से आया हूँ। तो राजा बालक से कहता है, तुम इतनी दूर से आए हो, कुछ तो मांगो। तो वो बालक बोला, बस राजा आपके दर्शन चाहिए थे, अब दर्शन हो गए, अब बस मैं वापस अपने माता पिता के पास जाऊंगा। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस बालक को अपने साथ महल ले चलो, क्योंकि राजा को उस बालक पर बड़ा प्यार आ रहा था। फिर राजा अपने मंत्रियों से कहता है, इसको अतिथि गृह में रुकवाओ। तो वो बालक बोला, नहीं राजा, अगर आपको मुझे रखना है तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो राजा बोला, मैं तो अपने कमरे में रहूंगा। तो वो बालक बोला, आप कमरे में रहना, मैं तो आपके कमरे के बाहर चादर बिछा के सो जाऊंगा, पर मुझे आपसे दूर नहीं रहना। तो राजा सोचता है कि मैं तो इसको अतिथि गृह में अच्छी तरह रखना चाहता था, सुंदर पलंग पर सोए, अच्छे अच्छे पकवान खाए, पर ये कमरे के बाहर चादर डालकर सोना चाहता है। चलो कोई नहीं, जैसे चाहता है करने देते हैं। अब राजा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगा। दो तीन घंटे बाद जब राजा बाहर आया तो देखता है कि बालक तो वही चादर डालकर सो रहा है। अब राजा उसको उठाता है और कहता है, उठो बेटा भोजन कर लो। तो वो बालक बोला कि राजा, जब आप भोजन करोगे तो ही मैं भोजन करूँगा। अब राजा ने दो थालियाँ मंगवाई और बोला, हम दोनों को भोजन परोसा जाए। तो वो बालक फिर बोला, राजा मैं आपके साथ होते हुए अलग थाली में कैसे खा सकता हूँ? पहले आप अपनी थाली में खा लो, फिर मैं आपकी झूठी थाली में खाऊंगा। सास संगत जी, सिर्फ दर्शनों के लिए आया था ये बालक और राजा के साथ भोजन कर रहा है। तो ये तो वही बात हुई, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ऐसे ही हम भी बहुत किस्मत वाले हैं। इतना बड़ा दुनिया को बनाने वाला राजा
हमें मिला हुआ है और हम सारी दुनिया से उम्मीदें करते रहते हैं और दुनिया हमें नचाती रहती है। किसी को बढ़ता हुआ कोई देख ही नहीं सकता। हर कोई यही सोचता है कि दूसरा व्यक्ति उससे कम ही हो। अब राजा की कोई औलाद तो थी नहीं और राजा का प्यार इस बालक के लिए बढ़ता ही जा रहा था। राजा अपने मंत्रियों से कहता है कि दर्जी को बुलवाकर बच्चे के नए कपड़े सिलवाओ। तो वो बालक बोला, नहीं राजा, मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं तो आपके पुराने कपड़े पहनूंगा। आप उसको ही ठीक करवा दीजिए, मैं उसको पहनूंगा। अब राजा की जो पोशाक थी चाहे वो पुरानी ही थी, पर है तो वो राजा की सुंदर पोशाकें। बस वही राजा की पुरानी पोशाकें वो बालक पहनने लगा। अब राजा के साथ बालक रहने लगा, उसके कमरे के बाहर सोता, राजा की झूठी थाली में खाना खाता, राजा के पुराने कपड़े पहनता। अब दिनों दिन राजा को उस बालक से प्यार बढ़ता जा रहा था। तो राजा ने फैसला किया कि क्यों ना मैं इस बालक को गोद ले लूं। फिर राजा ने एक दिन दरबार में सारी प्रजा को बुलवाया। उस बालक के माँ बाप को भी बुलवाया गया। गोद लेने की बात हुई, उसके गरीब माँ बाप भी मान गए। फिर राजा ने उनको भी महल में रख लिया और एक भोले से बालक ने अपने परिवार को ही ताड़ दिया। सासंग जी, अब ये बालक जब थोड़ा बड़ा हो गया और राजा बूढ़ा हो गया था, तो वो भोले को कहता है, बेटा अब ये राजपाट तुम संभालो, मैं अपने गुरु के पास जाकर नाम जपूंगा। और राजा के जाने के बाद उस राज्य में उस साल इतना सूखा पड़ा कि पूरे राज्य में त्राही त्राही मच गई। अब इस भोले ने सबके लिए राज्य का खजाना खोल दिया कि जितना जिसको धन चाहिए उसको दे दिया जाए। एक तरह से सबको कर्जा दे दिया गया। अब जब सबने पूछा कि हमें कर्जा वापस कब देना है, तो भोला कहता है, जब राजा गुजर जाएगा तब अपना कर्जा वापस दे देना। सासंगत जी, भोले के इस फैसले में भी एक राज था, सुनकर हैरान रह जाएंगे। अब मंत्रियों ने जाकर राजा को भड़का दिया कि ये भोला तो सबको खूब कर्जा दे रहा है, लौटाने की बात पूछते हैं तो कहता है जिस दिन राजा मर जाएगा उस दिन कर्जा लौटा देना। ये तो बड़ी धोखेबाजी हुई ना। अब राजा को बहुत गुस्सा आया तो उसने महल में आकर भोले से पूछा कि मैंने तुझे राजपाट इसलिए सौंपा था कि तू सब कुछ लुटाए जा रहा है, धन बांटे जा रहा है और कहता है वापस तब देना जब राजा मर जाए। इस दिन के लिए मैंने तुझे पुत्र बनाया था क्या? तो भोला बोला, राजा आप मेरे पिता समान हो, मैंने धन देते हुए सबसे यही कहा, धन तभी देना जब राजा गुजर जाए। और अब सब सुबह उठकर भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि राजा गुजरे ही ना, क्योंकि राजा अगर जीवित रहेगा तो उन्हें धन लौटाना ही नहीं पड़ेगा। तो राजा ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और उसकी आँखों से आंसू बह जाते हैं, वहाँ मेरे सद्गुरु। अब राजा ने भोले को गले से लगा लिया। अब राजा भोला से कहता है, जी करता है तेरे चरण छू लूं। और ये कहते हुए राजा उसके चरण छू लेता है। अब मंत्री यहाँ फिर राजा को भड़काते हैं और कहते हैं, देखा राजन, आपने उस भोले के पैरों को हाथ लगाया और उसने पैर पीछे भी नहीं हटाए। इतना अहंकारी हो गया है कि पैरों को हाथ लगाने दिया और आपको रोका भी नहीं। आपको रोकता और कहता आप राजा होके मेरे पैरों को हाथ मत लगाओ। राजा फिर भड़क गया और भोले से पूछता है, मैंने तुझे कहां से कहां पहुंचा दिया और आज मैं तेरे पैरों को हाथ लगा रहा था तो तुझसे मना भी नहीं हुआ, इतना अहंकारी हो गया है तू। तो भोला रो पड़ता है और कहता है, राजन जब मेरा सब कुछ तेरा है तो मेरा क्या हक जो मैं आपके आगे से अपने पैर हटाऊं, मेरे पैर भी तो आप ही के हैं राजन, वहाँ मेरे सद्गुरु। अब ये सुनकर राजा और भावुक होकर फिर रो पड़ा। सासंग जी, हमें भी उस भोले की तरह खुद को अपने सच्चे पातशाह अपने प्यारे बाबा जी को सौंप देना चाहिए कि जो हो रहा है वो मालिक की मौत से ही हो रहा है, हम कुछ भी नहीं है उसके आगे। अगर सच्चे मन से हम में ये बातें आ जाएं, तो हमें किसी के आगे कभी झुकना ही नहीं पड़ेगा और वो मालिक हमारा स्वार्थ भी संभालेंगे और परमार्थ भी संभालेंगे। तो बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करना जी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे बाबा जी की प्यारी संगत तक बाबा जी की ये प्यारी प्यारी बातें पहुँच सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जी।